कल 9 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के दिन महाराष्ट्र सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया सुधीर मुंगेटवार साहब ने कि कॉल उठाने पर आपको हेलो की जगह वंदे मातरम कहना है। इस पर आपका क्या कहना है सर? अब ये क्या नया नाटक चालू किया है लोगों ने? देखिए, हकीकत बात ये है कि भाजपा वालों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। कभी शहर के नाम चेंज करने की बात करते हैं तो अभी कॉलर ट्यून के ऊपर जैसा फोन उठाओ तो बोलो ये बोलो, क्योंकि इनको अगर महंगाई पे, बेरोजगारी पे अगर कोई सवाल करे तो चीते से भी फास्ट भाग जाते। उसके बारे में क्यों नहीं सोचते ये? इससे क्या हो जाने वाला है? वंदे मातरम बोल दिए फोन के ऊपर तो क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? हमारा किसान भाई जो आत्महत्या कर रहा है उसका कर्ज माफ हो जाएगा? हाँ, महंगाई दर कम हो जाएगा? नहीं ना। तो यही इनकी हमेशा से मानसिकता रही है, किसी ना किसी तरह ध्यान भटकाना है। और कौन से दिन लॉन्च कर रहे हैं ये लोग? 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन। वही महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन है। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, जिसका कत्ल किया नथुराम गोडसे ने, जो देश का सबसे पहला आतंकवादी है, उसकी तो लोग पूजा करते हैं। गोडसे मुर्दाबाद तो इनके मुंह से निकलता नहीं है। बस इसी तरह किसी भी तरह से ध्यान भटकाओ, नफरत फैलाओ, ये इनकी राजनीति बन गई है। अब मैं दूसरा भी सवाल, चलो अगर किसी ने नहीं बोला, किसी ने फोन किया, किसी ने वंदे मातरम नहीं पढ़ा, तो तुम क्या करेंगे? उसको गोली मार देंगे, केस कर देंगे, जेल में डाल देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, क्या कर देंगे? संविधान में कहां लिखा है कि ये बोलना ही है? नहीं ना। क्यों, किसने? ये सब सिर्फ एक ध्यान भटकाओ पॉलिसी और कुछ नहीं। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक।